गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। आप सबका स्वागत है दोस्तों करंट अफेयर की क्लास में। ठीक है, आप सब लोगों का प्यार मोहब्बत बिल्कुल जारी रहे दोस्तों। आप सब इतने सारे लोग आए हैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट वी हैव अ वंडरफुल सेशन टुडे। आज हम ये थोड़ा सा लेट है, मैं करीबन ये वीक में पुराना जितना भी पेंडिंग है उसको मैं कवर अप कर दूंगा दोस्तों। दिस इज अ पार्ट ऑफ 21 कोर्स दोस्तों, क्लैट 2021 का एक महत्वपूर्ण से नया वर्जन हम आपके लिए चालू करने वाले वेरी सुन। सो विल हैव अ सेपरेट अनाउंसमेंट फॉर दैट, बट इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड फॉर दिस मास्टर कोर्स, फील फ्री एंड जॉइन अस। ठीक है, वंडरफुल कोर्स प्रोग्रेसिस है ना, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम ये बात करने वाले दोस्तों डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिसिन के बारे में बात हो रही है। ये इन्होंने एक मज़ेदार सी दवाई के बारे में काम अप्रूवल कर दिया है दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है, कोरोना के साथ कनेक्टेड बहुत सारी न्यूज़ धीरे धीरे डेवलप होने लगी है एंड देयर बाय वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, चाइनीज रॉकेट एंड क्वाज़ी हाउ 11 फेल्ड एंड यूएई का पहला रॉकेट, पहला मिशन ऑन मार्स विच वॉज सेंट थ्रू जापान बिकेम सक्सेसफुल। ओके, चाइना का मार्स मिशन अभी तक सक्सेस हुआ नहीं है, इंडिया यूएई यूएसए है ना उन सब हुआ है, चाइना का हुआ नहीं है। सो लेट्स सी दिस। ओके, न्यू वाइज कॉमेट दोस्तों है ना, ये मजेदार सा कॉमेट है, आज देखना भूलिएगा मत। ओके, आज रात को दिखेगा दोस्तों है ना, आज दिखेगा, कल दिखेगा, आखिरी 23 तारीख को दिखेगा है ना। बिल्कुल, मैं समझाता हूँ क्या है कैसा है। ईरान ने इंडिया को चाबहार पोर्ट में से आउट कर दिया है। क्यों? इंडिया की गलती, ईरान की गलती, समझेंगे। There's a Guinness Book of World Record for India's 2018 Tiger Census and we have a Shri Padmanabha Swami Temple Supreme Court का जजमेंट ऑन शेबेत। देखेंगे दोस्तों what is शेबेत, क्या हुआ इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बेसिस के ऊपर जजमेंट दिया, उसके बारे में हम समझेंगे दोस्तों। एक एक करके दुनिया को देखते हैं, पर उससे पहले एक अनाउंसमेंट फॉर दिस एनालिटिकल रीजनिंग दोस्तों। हमने एलसेट के अंदर टारगेट रखा था कि वी कंप्लीट सम अराउंड 100 क्वेश्चन, सो थ्रू अवर एलसेट आज का सेशन नंबर 4 था है ना। आज के सेशन के बाद ठीक है, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड सम अराउंड 100 क्वेश्चंस ऑन एनालिटिकल रीजनिंग और आज एलसेट भी हो गया एंड आई एम श्योर आपने से बहुत सारे लोगों का एलसेट अच्छा भी होगा है ना। चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है, इट्स विजिबल विद नेकेड आईज, यस इंडीड ग्रेट। चलिए देखते दोस्तों, रवि शर्मा जो यहाँ पे काफ़ी रेगुलर होते हैं है ना, रवि शर्मा जी ऐसे दिखते हैं, पहली बार देखा मैंने रवि शर्मा को है ना, और काफ़ी तगड़ा फोटोग्राफ भेजा इन्होंने, 12 MB का फोटो था ठीक है, एकदम स्टाइल में प्रॉपर वे में खिंचा के रखा था रवि शर्मा ने ठीक है, अच्छे चश्मे पहन के बैठे हैं और तगड़ा फोटोग्राफ दे रहे हैं है ना। वो लिख रहे हैं, आई बीन थिंकिंग अ लॉट अबाउट सेंडिंग दिस ईमेल वे बिफोर बट डिड नॉट नो वे टू स्टार्ट फ्रॉम बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम राइटिंग दिस लेटर टू सम टीचर नॉट टू अ गर्ल ठीक है, ये बीन ऑलवेज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी इमोशन देयर टाइम्स आई स्टार्ट फीलिंग सैचुरेटेड बट नो वंडर द वेरी नेक्स्ट टाइम आई अटेम्प्ट एनी ऑफ योर क्लासेस आई गेट बैक टू माई फॉर्म। वेरी गुड, यू आर अ जेम ऑफ अ पर्सन सर, आई माइट सीम टू बी अ गाय विथ एक्सप्रेसिव लाइन्स बट ट्रस्ट मी ऑल दैट आई से टू यू आई मीन इट इज फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू वेरी मच रवि शर्मा, हम समझते हैं आप बिल्कुल दिल से ये बात लिखते हैं। देखिए आपके चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, देखिए दोस्तों ठीक है। ओके ग्रेट, इट फील्स नो लेस देन अ फैमिली टू मी, आई लर्न थिंग्स, आई हैव फन, आई लव द होल प्रोसेस, थैंक यू। और आपको भी ढेर सारा प्यार लोग दे रहे हैं रवि, देखिए आप काफ़ी फेमस है ना, आप काफ़ी फेमस है, देखिए इट हैज़ बिन नेवर बीन ईजी टू हैंडल अस बट थैंक यू फॉर नेवर गिविंग अप ऑन अस, थैंक यू सो मच फॉर बींग वन हु हैज़ यू कैन से हाई फाइव्स टू अस ठीक है, हाई फाइव है, बिल्कुल हाई फाइव है ना, थैंक यू। और आपका जो फेमस एक तो दिल है, कितनी बार जीतोगे सर, दिस हैज़ बिन वंडरफुल दोस्तों है ना। चलिए ग्रेट दोस्तों, अच्छा चप्पल से फिटेगा कोई नहीं चाहता, ओके कोई नहीं, यहाँ तो प्यार मोहब्बत दिख रहा है ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिख रही है, बिल्कुल अच्छी बात है दोस्तों। लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट ड्रग्स कंट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया DCGI ठीक हैज़ क्लियर्ड आइटोलिजुमेब फॉर रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज इन COVID-19 केस। दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है ना, हमारे पास ऐसे कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है ठीक है,
कुछ ही ड्रग ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। सो उसमें से है यह आइटोलिजुमैब इज अ ड्रग यूज टू ट्रीट सीवियर क्रॉनिक प्लैक सोरियासिस। ठीक है, प्लैक सोरियासिस इज अ क्रॉनिक ऑटो इम्यून कंडीशन इन विच स्किन सेल्स बिल्ड अप फ्रॉम स्केल्स ईची एंड ड्राई पैचेस चालू हो जाएंगे बिकॉज देर इज अ रिएक्शन विच इज कमिंग फ्रॉम, है ना, कोरोना केसेस, मतलब कोरोना वायरस हम पे अटैक करते हैं, हमारी बॉडी उसके सामने रिस्पॉन्ड करती है। तो यहाँ पे जब बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम क्रॉनिक वे में बन जाता है देन देर इज अ प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज आइटोलिजुमैब इज एन इमरजेंसी ड्रग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये एक इमरजेंसी ड्रग है, है ना, इसको सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम इन अ मॉडरेट टू सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में यूज़ किया जाता है, प्राइमरली फॉर COVID-19। ठीक है दोस्तों, CSS और ARDS का फुल फॉर्म समझिए दोस्तों। CSS इज साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम, है ना, साइटोकाइन बॉडी में एक तरीके के स्टॉर्म क्रिएट कर देते हैं, इम्यून सिस्टम जो होती है ना, ठीक है, वायरस को न्यूट्रलाइज करने के अंदर, ठीक है, हमारा साइटोकाइन तैयार हो जाता है। अब ये साइटोकाइन है वो लंग को करता है, दूसरे ऑर्गन को डैमेज करता है, जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं, है ना, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ वायरस पीपल डाई। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, वेरी गुड दोस्तों। ARDS इज अ डिजीज इन विच द लंग लूजेज इट्स कैपेसिटी टू एक्सपांड फर्दर, और ये एक बड़ी परेशानी हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल विधि, आई विल गिव, मतलब यू कैन गिव मी अ कॉल, है ना, इन द इवनिंग वी कैन डिस्कस अबाउट इट। यू वर गिविंग मी कॉल बिटवीन 4 to 5, आई हैड अ क्लास, ठीक है, देयर बाय आई कुडंट मैनेज। ओके, ग्रेट दोस्तों, आइटोलिजुमैब इज अ बायोलॉजिक ड्रग, इट इज गिवन एज एन IV इन्फ्यूजन, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है या IV इन्फ्यूजन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बायोलॉजिक का मतलब है उसमें लिविंग सेल्स होते हैं, दे आर कल्चर्ड इन अ लेबोरेटरी। ठीक है, है ना, जैसे आप यीस्ट, है ना, एक कल्चर्ड यीस्ट होती है जो आप मार्केट से लेकर आते हो और उसके द्वारा आप घर में, है ना, बहुत सारी चीज़ें बनाते हो, है ना, यीस्ट का कल्चर मार्केट में परचेज करने पर मिलता है। ठीक है, ये वैसा ही है, बायोलॉजिक ड्रग है। ठीक है, दे आर नॉट अ ट्रेडिशनल ड्रग सिस्टम दोस्तों, ये समझिए। ओके, ठीक है, दिस आर द रीजंस फॉर द अप्रूवल बाय DCGI, क्योंकि वो रेंडमाइज कंट्रोल और क्लिनिकल ट्रायल हो गया था इसका, है ना, काफ़ी अच्छा हुआ था। सो दिस मेथड इज साइमन्स 2-स्टेज डिजाइन बोलते हैं उसको, phase 2 क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं इसको। कोई भी ड्रग, है ना, 2 phases से पास होना चाहिए, वो कोई साइमन साहब ने बनाया था, इसीलिए साइमन का 2-स्टेज डिजाइन बोलते हैं। यस, बेकिंग यीस्ट बिबाब, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, इन जनरल ये जो हम बात कर रहे हैं ना, आइटोलिजुमैब, है ना, विच इज एडेड टू द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर विद स्लाइटली वेरिड वर्जन। ठीक है, दिस इज अगेन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रिटोनावीर, ऑक्सीजन थेरापी, एंटीबायोटिक, हेपारिन, ठीक है, ये सब एक साथ दिया जाकर लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है, है ना। देयर आर नो हार्ड रूल्स फॉर मिनिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स रिक्रूटेड फॉर दिस phase 2 ट्रायल। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ध्यान रखना। देर इज अनदर ड्रग विच इज कॉल्ड टॉसिलिजुमैब, हैज नॉट शोन एनी बेनिफिट्स इन मॉर्टेलिटी रिडक्शन। हमारे यहाँ सूरत में एक भाई साहब थे, इन्होंने बहुत नकली दवाई बनाने का बड़ा सा एक ऐसे गेम खेला था, पकड़े गए थे, ठीक है, टॉसिलिजुमैब के लिए। ठीक है, और ये बिल्कुल परेशानी है। ठीक है, चलिए, ग्रेट दोस्तों। ठीक है, ओके, लास्ट 30 डेज का गाइड चाहिए लोगों को। ओके, ग्रेट दोस्तों, ये DCGI है विच इज़ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये अप्रूवल करते हैं, लाइसेंस देते हैं कोई भी दवाइयों को। तो कल उठ के हमारे स्वामी जी बोल दे कि भाई हमने दवाई लेकर आए, तो हमें DCGI को पूछने का कि भाई उन्होंने पास किया कि नहीं। ओके, ग्रेट, देर इज अ क्रिटिसिज्म ऑन आइटोलिजुमैब के ऊपर, बिकॉज इट इज टेस्टेड ऑन 2 few patients। ठीक है, सो दैट इट इज रिलायबल और नॉट इज अ बिग इश्यू। ठीक है, चलिए, ग्रेट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज योर चाइनीज रॉकेट नेम्ड एज Kuaizhou 11, इट इज फेल हो गया था, है ना, सेटेलाइट कैरी कर रहा था, वो भी ब्लास्ट ऑफ हो गए, तो बड़ी परेशानी है। Kuaizhou मीनिंग इज फास्ट शिप इन चाइनीज। ठीक है, दिस इज लो कॉस्ट
सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट। सॉलिड फ्यूल काफी लंबा जाता है दोस्तों, ठीक है। इट इज एन ऑपरेशनल कॉमर्शियल लॉन्च फ्रॉम अ फर्म कॉल एक्स स्पेस। दोस्तों जिस तरीके से स्पेस एक्स है उसी तरीके से ये एक्स स्पेस है, ओके, ठीक है। ओरिजिनली 2018 में निकालने वाले थे बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गॉट डिलेड एंड इट इज नोन एज KZ-11। उसका लो अर्थ एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट लगाओ, वो बहुत जरूरी था दोस्तों, पर ओवरऑल अच्छा हो नहीं पाया भाई। चाइना का ये लॉन्च फेल तो हो गया बट चाइना का कॉमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग इन अ गुड वे। आई एम श्योर यू नो इंडिया इज प्लानिंग फॉर दिस कॉमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री, यस और नो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए ग्रेट दोस्तों, तो चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर रहा है? चाइनीज गवर्नमेंट स्पेस सेक्टर पूरी प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने की कोशिश कर रहा है। क्या क्या मिशन है उनके? तियानवेन विच इज चाइनाज मार्स मिशन, ये उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब इज्जत वाला है ना, जुलाई 2020 में ये लोग लगाने वाले हैं। प्रीवियस यिंग हुआउ मार्स मिशन वॉज सपोर्टेड बाई रशिया, इट वॉज फेल्ड इन 2012, है ना। तियानवेन विल बी लिफ्टेड ऑफ ऑन लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, ठीक है, विच इज़ अ वेरी फेमस रॉकेट ऑफ चाइना। चाइना का सबसे सक्सेसफुल अगर ये रॉकेट हो तो ये उनका। तियांगोंग चाइनाज ओन स्पेस स्टेशन टू बी बिल्ड बाई 2022। तियांगोंग मीन्स हेवनली पैलेस, ठीक है, तो ये लोग ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सब पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, सो यू शुड बी रियली अवेयर। इंडिया का भी कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, वी आर इंटरेस्टेड इन लो कैरियर रॉकेट्स, ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन अलाउिंग लॉट ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया, है ना। हालांकि इंडिया कॉमर्शियल एक्टिविटी तो करता ही करता है, ठीक है। अभी तक हमने 297 फॉरेन सैटेलाइट भेजे PSLV के द्वारा। हमारा बहुत ही फेमस PSLV सैटेलाइट मतलब लॉन्च व्हीकल है जो बहुत ही सक्सेसफुल है। स्पेस टूरिज्म में हम जाना चाहते हैं अभी भी आगे, है ना, और इसके अंदर हमने कुछ कुछ संस्थाएं बना के रखी है, है ना। देखिए दोस्तों, कॉमर्शलाइजेशन देखा जाए तो USA में भी हो रहा है। स्पेस एक्स बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च पीपल इन टू द ऑर्बिट, ये उन्होंने किया। इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, न्यूजीलैंड इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, ठीक है। इंडिया ने चालू किया है, है ना। इन स्पेस, ठीक है, एंड NSIL ये इंडिया का कॉमर्शियल आर्म होगा। तो इंडिया का पहला कॉमर्शियल आर्म कौन सा है? इसरो का पहला कॉमर्शियल आर्म कौन सा है बताइए दोस्तों। बताइए जल्दी दोस्तों, है ना, इसरो का पहला कॉमर्शियल आर्म कौन सा है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, जल्दी। शशांक बोल रहे हैं इट इज अंतरिक्ष, बिल्कुल सही बात है शशांक, इट इज अंतरिक्ष। अंतरिक्ष कॉमर्शियल लॉन्च देखता है और जो NSIL है वो कॉमर्शियल एक्टिविटी दूसरी देखेगा, है ना, प्राइवेट लोगों को कैसे अंदर लाना उस पर दिखा जाएगा। चलिए ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट कॉमेट C2020 F3। इफ यू हियर दिस नेम, है ना, कभी फ्यूचर में तो देखना। इसका नाम है नियोवाइस। क्या नाम है दोस्तों? नियोवाइस। दोस्तों, है ना, रवि शर्मा जी के वंशज करीबन आज हम 2020 पे बैठे हैं, ठीक है, 6800 साल के बाद, है ना, समराउन 8820 ईयर में रवि शर्मा के वंशज, है ना, जब इस नियोवाइस को स्पेस में देखेंगे, आकाश में देखेंगे, ऑब्वियसली वो अर्थ के पास तो नहीं देखेंगे क्योंकि अर्थ में तब तक आदमी तो नहीं रहेंगे इतने सालों में, ये सुनो, आदमी के लिए अर्थ कोई जगह ही नहीं बचेगी, है ना, पूरा गर्म हो गया होगा। सो पॉसिबली उनके जो वंशज है, है ना, रवि शर्मा के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, है ना, जब वो मार्स पे होंगे 8820 ईयर पे, है ना, तब वो ये देखेंगे, तब याद करेंगे कि शायद हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा रवि शर्मा जी ने ये देखा होगा, ये सुनो, ठीक है, उनको ये मौका था, उन्होंने देखा होगा। मेरा मानना है कि रवि शर्मा जी ने देखा होगा, है ना, ठीक है।
चलिए ग्रेट, ओके ओके. सो दिस इज दिस सी 2020 कॉमेट का सी, 2020 इज अ ईयर, F3 इज अ तीसरा कॉमेट है. तो दोस्तों अभी तक कितने कॉमेट इस साल 2020 में दिखे, ओके. चलिए ग्रेट दोस्तों, ये समझ में आया, वेरी गुड. है ना, आपको बताना है F3, सो दिस इज अ थर्ड कॉमेट, तो अभी तक कितने दिखे थे कॉमेट ये बताइए. क्लोजेस्ट अप्रोच टू अर्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ 64 मिलियन माइल्स और 103 मिलियन किलोमीटर वाइल क्रॉसिंग अर्थ आउटसाइड ऑर्बिट ऑन 22 जुलाई 2020. बस दोस्तों बिल्कुल हम उसके नज़दीक है. नासा ने के टेलीस्कोप ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है. इट इज़ नोन एज नियोवाइस बिकॉज नियोवाइस की वजह से ऐसा हुआ. ऑन 3 जुलाई इट वॉज क्लोजेस्ट टू सन एट 43 मिलियन किलोमीटर ड्यू टू विच इट्स आउटर लेयर वॉज रिलीज्ड, ठीक है, क्रिएटिंग एन एटमोसफियर ऑफ गैस एंड डस्ट फ्रॉम इट्स आईसी सर्फेस. इट विल बी विजिबल थ्रू बाइनोक्यूलर और स्मॉल टेलीस्कोप्स, उससे वो दिखेगा, है ना, ये दिखेगा, ठीक है. द वर्ड कॉमेट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉल कॉमेटा विच इज नोन एज लॉन्ग हेड, ठीक है. अर्लीस्ट नोन रिकॉर्ड ऑफ दिस कॉमेट साइटिंग वॉज इन 1059 BC बिफोर क्राइस्ट. इतने समय पे देखा था. कॉमेट्स आर जनरली ड्राई स्नोबॉल, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ यू कैन से आइस रॉक्स एंड डस्ट. अब वो आगे बढ़े एंड व्हेन दे रीच टू द वेरी क्लोजर ऑफ द यू कैन से सन दे रिलीज देयर डेब्रीज, और जिसकी वजह से पीछे से उनकी पूंछ दिखती है, लॉन्ग हेड बोलते हैं. सॉलिड पोर्शंस ऑफ कॉमेट कंसिस्टिंग ऑफ मोस्टली वाटर आइस एंड एम्बेडेड डस्ट पार्टिकल्स दे आर इनएक्टिव, ठीक है, व्हेन दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द सन, ठीक है, बट व्हेन दे कम वेरी नियर टू दैट बिकॉज ऑफ आइस गेट्स वेपोराइज, तो वहां पे एनर्जी आना चालू हो जाती है एंड देन दे स्टार्ट रिलीजिंग दोस डस्ट, है ना, वाटर आइस, जिसकी वजह से वो यू कैन से एक तरीके का मतलब यू कैन से पूंछ निकलना चालू होता है. According to NASA, while there are millions of comets orbiting Sun, there are more than 3,650 known comets so far. ठीक है, predictable comets are short period comets, ठीक है, which take less than 200 years to orbit the Sun. This is जो हमारा comet है वो 6,800 साल लगाएगा, ठीक है, है ना. ये कहाँ पे पाए जाते हैं? They are generally found at Kuiper, है ना, ठीक है, है ना, where many comets orbit around the Sun in the realm of Pluto. प्लूटो से आजू बाजू घूमते रहते हैं. वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉर्ट पीरियड कॉमेट इज नोन एज हेलीस कॉमेट, ठीक है, विच विल रीअपियर एवरी 76 ईयर्स, ठीक है, 2062 में वापस पाया जाएगा, ठीक है ना. देर आर सम लेस प्रेडिक्टेबल कॉमेट्स विच आर फाउंड इन ऊर्ट क्लाउड. जो प्रेडिक्टेबल है वो कुइपर बेल्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, लेस प्रेडिक्टेबल है वो ऊर्ट क्लाउड में होते हैं, विच इज अराउंड 1 लाख से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ठीक है, तो उतना बड़ा डिस्टेंस पे ये अवेलेबल है, तो काफी दूर है दोस्तों, काफी दूर है. कॉमेट इन दिस क्लाउड कैन टेक अप टू सेवरन 30 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. कितना ज्यादा है, ठीक है दोस्तों, ये समझना जरूरी है. कॉमेट्स का खुद का लाइट नहीं होता है, ये समझ लीजिए. इट डिपेंड्स ऑन गैस एंड डस्ट टू आउटबर्स्ट, ठीक है. सी रिफ्लेक्शन ऑफ सन्स लाइट ऑफ द कॉमेट, जो हमें कॉमेट दिखेगा वो सन का रिफ्लेक्शन है, ठीक है. टू बी विजिबल कॉमेट मस्ट मेक पर्टिकुलर क्लोज अप्रोच टू दिस सन. तो ये हमें दिखेगा, अभी से दिख रहा होगा, 23 तारीख आखिरी तारीख है दोस्तों, है ना, ये देख लीजिएगा, ठीक है. ईरान हैज डिसाइडेड टू प्रोसीड विथ चाबहार पोर्ट. ये रहा आपका चाबहार पोर्ट दोस्तों, उसके बाजू में पाकिस्तान में ये आपका ग्वादर पोर्ट है. ये किसने बना के दिया है? हाँ, ग्वादर पोर्ट वॉज डेवलप्ड बाई चाइना, ठीक है. ग्वादर पोर्ट से ये लोग ऐसा रोड बना रहे हैं, ठीक है, जो जाएगा चाइना में काशगर सिटी पे. कहाँ जाएगा? काशगर सिटी, ओके. दिस इज नोन एज CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. इंडिया भी है ना, ये चाबहार पोर्ट से ये जाएगा यहाँ पे, यहाँ से जरांज दिलाराम हाईवे, ये हमने अफगानिस्तान को बना के दिया है. हाईवे का नाम क्या है? जरांज दिलाराम हाईवे, ओके. सो इंडिया काफ़ी डिले कर रहा था और इसकी वजह से इन्होंने इंडिया को निकाल दिया ऑन अ रेल लाइन. ये देखिए तगड़ा सा आपका चाबहार पोर्ट है. इट इज़ लोकेटेड ऑन गल्फ ऑफ ओमान. ये रहा दोस्तों, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है, है ना, ये ओमान है. इसके बाजू में यहाँ पे येमेन है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, वहाँ पे ये बनाया गया है दोस्तों, ठीक है, ओके. विच इज 72 किलोमीटर अवे फ्रॉम ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में ये बना के रखा है ग्वादर पोर्ट, जो चाइना ने बना के दिया है. द पोर्ट सर्व्स एज द ओनली ओशनिक पोर्ट ऑफ ईरान.
कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट पोर्ट्स नेम शहीद बहेस्ती एंड शहीद कलांतरी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो चाबहार पोर्ट है उसका नया नाम क्या है, तो उसमें दो पोर्ट है, बड़े पोर्ट है, एक है शहीद बहेस्ती पोर्ट, ठीक है, एंड शहीद कलांतरी पोर्ट। शहीद बहेस्ती पोर्ट इज मेजरली कंट्रोल्ड बाय इंडियन साइड। ओके, चलिए ग्रेट। ईरान हैज इनॉग्रेटेड द ट्रैक लिंक्स प्रोग्रेस। तो ये पूरी कहानी है ट्रैक की, है ना, 628 किलोमीटर चाबहार ज़ायदान रेल लाइन विच विल बी एक्सटेंडेड टू ज़रांज, ठीक है, विच इज इन ऑन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, ये मार्च 2022 तक कंप्लीट होगा। ठीक है, $400 बिलियन का खर्चा होगा जो ईरान खुद निकालेगा। ठीक है, मई 2016 में इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किया था, ठीक है, विच वॉज अबाउट ट्रांसिट एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए, ठीक है, ताकि ज़रांज दिलाराम हाईवे इंडिया ने बना के दिया अफगानिस्तान को, है ना, तो यहाँ पे ये लोग रेल बनाएंगे और रेल में इंडिया मदद करेगा। इंडिया ने 2016 से कोई ज़्यादा प्रोग्रेस करके दिखाया नहीं। जब इंडिया ने प्रोग्रेस किया नहीं तो ईरान बोलता है कि हम अकेले अकेले जाएंगे। ओके, इज दिस कंफर्टेबल? ग्रेट दोस्तों, ठीक है। बट डिस्पाइट सेवरल साइट विजिट्स बाय अर्कॉन इंजीनियर्स, ठीक है, एंड द प्रिपरेशन बाय ईरानियन रेलवे, इंडिया नेवर बिगेन वर्क। ठीक है, क्यों भैया, इंडिया चालू करता तो ये सेंक्शंस बाय यूएसए आ जाता। गार्गी, आपके सवाल का आंसर, हमने जैसे चाबहार पोर्ट उनके सेंक्शन के पहले बना दिया था, यस नो? अब ये सेंक्शन जब लगा दिया उसके बाद ये रेल लाइन लगानी है, देयरफॉर देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है। ओके, सो इंडिया इज ऑलरेडी जीरो डाउट इट्स ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम ईरान। हम वहाँ से इम्पोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि यूएसए ने सेंक्शन लगा के रखे हुए हैं, यस नो? ठीक है, है ना, ठीक है। ओके, क्या सेंक्शन है? JCPOA, है ना, ग्रेट। अनदर रीजन कुड बी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर कोऑपरेशन बिटवीन ईरान एंड चाइना, है ना। ईरान और चाइना एक दूसरे के साथ अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, विच इज 25 ईयर का और $400 बिलियन का, ठीक है, तो ये लोग बहुत बड़े बड़े डील करेंगे। इंडिया को लगता है कि भैया ईरान को चाइना से दूर रहिए, ठीक है, तो अब इंडिया के लिए थोड़ी ये परेशानी डेवलप हो गई है। इज दिस कंफर्टेबल? ग्रेट दोस्तों, ठीक है। ओके, सर्वाइव वी आर बिलीविंग इन अमेरिका इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, है ना। हम अमेरिका में बिलीव नहीं करते, अमेरिका ने जो लॉ पास किया है उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से वी हैव टू टेक एक्शन इन दैट कंसिडरेशन। ओके, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाएगी। इंडिया का 2018 का टाइगर सेंसस हैज मेड टू द गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है, फॉर बींग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे। दोस्तों, टाइगर बड़ी परेशानी वाला क्रीचर है, बड़ी परेशानी वाला। एक रात में ये 40 से 50 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, स्ट्राइप्स होती है उनके अंदर, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ट्रैक करना कि ये मतलब ये टाइगर को हमने 40 किलोमीटर पहले यहाँ पे देखा था, अब ये वापस वही टाइगर है या दूसरा टाइगर है, ठीक है। टाइगर के तो नाम नहीं होते हैं, है ना, नाम होते होंगे पर नाम से तो कैसे पहचान, तो कुछ महानुभाव है जो स्ट्राइप से पहचानते हैं, तो इसीलिए कैमरा यूज किया जाता है। इंडिया हैज ऑल्सो फुलफिल्ड इट्स रिजोल्यूशन टू डबल द टाइगर नंबर मेड एट सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन 2010, दैट बिफोर यू कैन से 2022 वी विल डबल द नंबर, सो वी आर ऑन 2010 वी हैड 1500 नंबर, टुडे वी हैव 2976 नंबर्स, सो वी आर डूइंग गुड, ठीक है, वी आर गुड, ग्रेट दोस्तों। सो दिस इज अ फोर्थ साइकिल ऑफ टाइगर सेंसस 2018, ठीक है, इट इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, इट काउंटेड 2976 टाइगर विच इज 75% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है ना उसका 3/4 इंडिया में है, ठीक है, इसलिए टाइगर को बचाना जरूरी है दोस्तों। द सेंसस इज डन यू कैन से क्वाड्रा एनुअली, सो दैट इज एवरी 4 ईयर होता है। इट इज नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। वॉट इज द मैथड दोस्तों? अलग अलग मैथड है, वन ऑफ देम इज कैमरा सर्वे, अदर इज कॉल्ड फूड सर्वे, अदर इज कॉल्ड ट्रेडंग, है ना, ठीक है, बहुत अलग अलग मैथड है। ये कैमरा ट्रैप इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, ठीक है, वर प्लेस एट मल्टीपल लोकेशन अक्रॉस डिफरेंट साइट्स एंड सर्वेड एन इफेक्टिव एरिया ऑफ 121,000 स्क्वायर किलोमीटर। कैमरा ट्रैप्स
आर आउटडोर फोटोग्राफिक डिवाइसेस, ठीक है, विद अ मोशन सेंसर. जैसे एनिमल पास होगा वो फोटो खींच लेगा मोशन सेंसर की वजह से, एंड देयर बाय दे आर एबल टू आइडेंटिफाई, यू कैन से, द टाइगर्स विथ देयर सिंगल स्ट्राइप पैटर्न. उनकी स्ट्राइप पैटर्न होती है वो रिकग्नाइजेबल होती है, ठीक है. सो उसकी वजह से ये लोग निकाल सकते हैं. और आजकल तो सॉफ्टवेयर भी बन गए, पहले आदमी होते थे, अब सॉफ्टवेयर की वजह से ये काम होता है, ठीक है. प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन 93. मेरा मानना है कि इसके ऊपर एक पैराग्राफ आकर, ठीक है, एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ के ऊपर क्लैट के अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इसी साल. ध्यान रखना इसको. इट वॉज लॉन्च इन 1973 विथ 9 टाइगर रिजर्व्स फॉर कंजर्विंग आवर नेशनल एनिमल्स. सो टाइगर इज अ नेशनल एनिमल, ओके, ठीक है. दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर कवर्स अराउंड 50 टाइगर रिजर्व्स स्प्रेडेड इन 18 टाइगर रेंजेस, ठीक है. है ना, बड़ी मजेदार सी सिस्टम है ये हमारी, है ना. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा ये प्रोटेक्टेड है, और एक एम स्ट्राइब्स नाम का ऐप है जिसके द्वारा टाइगर रिजर्व्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, मॉनिटरिंग करी जाती है, ठीक है. दोस्तों टाइगर रिजर्व के लिए ये प्रोडक्शन स्टेटस है उसका. इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये शेड्यूल वन एनिमल है, ठीक है. IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक इट इज एंडेंजर्ड एनिमल, और साइट्स के मुताबिक अपेंडिक्स वन. ये सबको पता होगा ना, ये इंटरनेशनल बॉडीज है जो ये सब समझती है. इंडिया में टाइगर रिजर्व, ठीक है, सबसे बड़ा इज इन आंध्र प्रदेश विच इज कॉल्ड नागार्जुना सागर, है ना, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, एंड सबसे छोटा इज इन आसाम ओरांग नेशनल पार्क, ओके. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. दोस्तों कास्पियन टाइगर जो टर्की में पाया जाता है वो एक्सटिंक्ट हो गया है. जावान टाइगर इंडोनेशिया में पाए जाते हैं. बाली टाइगर इंडोनेशिया वाले वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं. अभी भी कुछ इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, कुछ चाइना में पाए जाते हैं, पर इंडिया में 75% पाए जाते हैं, एंड दैट्स वाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन अस, ठीक है, ओके. सर, हैव यू सीन टाइगर? लॉ इन पावर अभिषेक, है ना, मैं ये रणथंभौर करके जगह है ना, वहाँ पे मैंने देखा है. चलिए ग्रेट दोस्तों, ठीक है, ग्रेट. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड राइट ऑफ त्रावणकोर रॉयल फैमिली टू मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ डेटी एट श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इन तिरुवनंतपुरम इन केरला. ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो यही पॉइंट लिख दीजिए, भाई त्रावणकोर की रॉयल फैमिली के पास इनका हक है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इन तिरुवनंतपुरम. The temple has been in the news since 2011 after the discovery of treasure worth rupees 1 lakh crore in the underground vault. है ना, बहुत पैसा मिला था दोस्तों. ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था, क्या बैकग्राउंड है, देखते हैं दोस्तों. As per the instrument of accession, ये याद है आपको instrument of accession कौन साइन करवाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, it was signed between the princely state and government of India. The administration of Padmanabha Swami temple was vested in the trust of ruler of Travancore since 1949. ओके, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में ये लिखा गया था कि ये मंदिर ये त्रावणकोर के रूलर का है, तो वो लोग मैनेज करेंगे. इन 1971 the former royals were abolished, ठीक है, थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, उनके जो भी एंटाइटलमेंट थे, जो भी प्रिविलेजेस थे, वो सब हटा दिए. प्राइवी पर्सेस विच मीन्स सरकार की तरफ से उनको पैसे मिलते थे वो हटा दिए, उनके जितने भी सपोर्ट मिलते थे वो हटा दिए. सो इन 1991 when द लास्ट रूलर ऑफ त्रावणकोर, है ना, चिथिरा थिरुनाल बालाराम वर्मा पास्ड अवे, हिज ब्रदर, है ना, उथराधाम थिरुनाल से मारथड़ा वर्मा टुक ओवर द टेम्पल मैनेजमेंट. दिस क्रिएटेड फ्यूरर दैट ही हैड नो लीगल राइट टू क्लेम द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट. सो परेशानी वहाँ पे हुई, उनके जो ओरिजिनल लोग थे वो चले गए, उनका भाई था उसने. हाउएवर रॉयल फैमिली कंटिन्यूड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल टिल केरला हाई कोर्ट इन 2011 रूल्ड दैट फैमिली कैन नॉट कंटिन्यू टू एक्सर्ट इट्स शेबैत राइट्स. ठीक है, इसी की तो लड़ाई है, है ना, शेबैत राइट्स उनके पास नहीं है, है ना. दोस्तों राम मंदिर जो 5 अगस्त को उसका शिलान्यास होगा, उसके अंदर भी शिब्बत राइट के बारे में बात हुई थी ना. ये सुनो, किसको शिब्बत राइट्स मिले बताइए दोस्तों. ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों. तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वॉज द रिवर्सिंग 2011 केरला हाई कोर्ट का जजमेंट विच है डायरेक्टेड केरला गवर्नमेंट टू सेटअप अ ट्रस्ट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट एंड द एसेट ऑफ द टेम्पल. द हाईकोर्ट रूल दैट
द सक्सेसर टू द अर्शवाइल रॉयल्स कुड नॉट क्लेम टू बी इन कंट्रोल ऑफ श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ रूलर इन द आर्टिकल 366-22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रूलर वॉज अमेंडेड बाई 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच अबोलिस्ड द प्राइवी पर्स. उन्होंने वो वर्ड ही हटा दिया, प्राइवी पर्स ही हटा दिया. ठीक है, सो इट सेज रूलर मीन्स प्रिंस चीफ और अदर पर्सन एट टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज रिकग्नाइज एज द रूलर ऑफ दैट इंडियन स्टेट. ठीक है, वो हो गया है ना. तो उसके मुताबिक वो जो दूसरे भाई साहब थे वो तो रहेंगे नहीं. ये सुनो, चलिए ग्रेट दोस्तों है ना, ओके चलिए ग्रेट दोस्तों है ना, ओके. हाउएवर सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस एंड सेड दैट एज पर कस्टमरी लॉ द मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली हैव द शिब्बत राइट्स. ठीक है, ओके, इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट रूलर. ये उन्होंने बोला भाई ये जो शिब्बत राइट है ना. ठीक है, ओके, बिल्कुल मैं दो मिनट में समझाता हूँ है ना ये शिब्बत राइट्स क्या होता है. ठीक है, ओके ग्रेट. सो शिब्बत राइट मीन्स राइट टू मैनेज फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द डेटी. भगवान का फाइनेंशियल अफेयर मैनेज करना, मतलब भगवान का मंदिर है, वो भगवान का मंदिर है ना. अब उस मंदिर में जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है उसका अधिकार सुनो, कोई पुजारी के पास होना चाहिए जो बरसों से काम कर रहा है उसके पास होना चाहिए, या बाय बर्थ किसी के पास होना चाहिए कि पुजारी का बेटा पुजारी, पुजारी का बेटा पुजारी, उसके पास होना चाहिए, किसके पास होना चाहिए. ये सुनो, इसी की लड़ाई है, इसी की लड़ाई है. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फॉर द पर्पस ऑफ शिब्बत राइट्स द डेफिनेशन ऑफ रूलर वुड अप्लाई एंड वुड ट्रांसफर टू द सक्सेसर. भाई रूलर की जो भी डेफिनेशन है उसमें है ना, अभी उनके सक्सेसर है, हम उनको दे सकते हैं, एग्जैक्ट उनके बच्चे नहीं है, मतलब अभी तो कोई राजा नहीं है, राजा का कोई पोजीशन तो बनता नहीं है, पर उनके सक्सेसर है, वो सक्सेसर कैन गेट दिस शिब्बत राइट्स. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, सबको ये बात समझ में आ रही है शिब्बत राइट का मतलब. ग्रेट दोस्तों, ठीक है. यस, निर्मोही अखाड़ा मांग रहा था कि हमें शिब्बत राइट मिले. क्यों? क्योंकि हम जब से ये राम लल्ला का मूर्ति मिला है तब से हम इसकी सेवा कर रहे हैं. सो उस सेवा के कंटेक्स्ट हमको ये शिब्बत राइट दिया जाए, पर निर्मोही अखाड़ा को ये राइट नहीं मिला. ठीक है, अच्छा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाने का भी प्लान किया गया था. सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड द सबमिशन ऑफ रॉयल फैमिली दैट द टेम्पल इज अ पब्लिक टेम्पल एंड डायरेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी विद द तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट जज एज अ चेयरपर्सन फॉर इट्स ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन फ्यूचर. द अदर मेंबर ऑफ कमेटी वुड बी नॉमिनी ऑफ द ट्रस्टी चीफ इगेंस्ट ए तंत्री ऑफ द टेम्पल नॉमिनी ऑफ द स्टेट member nominated by Union Ministry of Culture. Supreme Court also ordered a second committee to be constituted to advise Administrative Committee on the policy matter. ये High Court के judge इसको head करेंगे. तो ये दो agency committees बनाई जाएगी, ये उन्होंने बोला था. ठीक है, ये रहा आपका पद्मनाभस्वामी temple. दोस्तों ये temple is developed by some around 8th. ठीक है, present structure was developed by 18th century by the Maharaja of Travancore against a Marthanand Varma. Unhone kiya tha. The temple was initially made of wood but later on was constructed with granite. Uske baad uske upar hai na ye sab sona wona lagaya gaya. Temple is built in the unique Cheda style of architecture. Main deity is Lord Vishnu who is found in the Anant Shayana posture. ठीक है, रिक्लाइनिंग वे में वो पाए जाते हैं, वो सोते हुए आपने देखा होगा. ठीक है, ऑन आदिशेषा विच इज मतलब किंग ऑफ ऑल सर्पेंट के ऊपर वो सोए हुए पाए गए हैं. ठीक है, इट इज़ नोन एज वन ऑफ द 108 होली टेम्पल्स एसोसिएटेड विथ वैष्णविज्म है ना. सो दोस्तों ये सब चीज़ें याद रखेगा है ना. अनंत शयना पोस्चर किसके साथ कनेक्टेड है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है. ये मंदिर कौन से साल में बनाया गया था, महाराजा मार्थानंद वर्मा ने बनाया गया था. शिब्बत राइट के बारे में पूछा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकल सकती है. ये सुनो, ठीक है, आई थिंक दैट इज वॉट विल बी डूइंग टूडे. ठीक है, आज का सेशन थोड़ा सा छोटा है पर बहुत काम का था. दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, डू नॉट मिस आउट है ना टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट्स कोर्स. दोस्तों प्रो टैलेंट के कोर्स को आप लेना भूलिएगा मत. ठीक है, आप सब लोगों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. ठीक है, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए दैट इज अवेलेबल ऑन प्रो टैलेंट डिजिटल डॉट कॉम. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन प्रो टैलेंट डिजिटल डॉट कॉम.
के ऊपर आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड डू नॉट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्प्रेड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।